हेलो एवरीवन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पीडीएफ स्कैनर या एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ पीडीएफ हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स का हम पीडीएफ कैसे बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स हो या तो फोटो हो, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स को या तो फोटो को हम पीडीएफ बनाना है तो उसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए अभी ये वाला जो क्लियर स्कैनर है उसको हम वो एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे प्ले स्टोर में, हम जाएंगे यहाँ पे प्ले स्टोर में हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे पीडीएफ स्कैनर। तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है पीडीएफ स्कैनर, आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है वो वाला ये एप्लीकेशन है क्लियर स्कैन पीडीएफ। तो इसको मैंने इंस्टॉल किया हूँ। अभी हम सिंपल हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर मेरे पास अभी गैलरी में है तो मैं यहाँ पे सिंपल मैं फोटो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप व्हाट्सअप के तीन चार फोटोज है। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक एक करके सिलेक्शन करता हूँ। जैसे कि मैंने तीन फोटो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया। अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर है और यहाँ पे कलर। तो मैं तीनों मैं इसको एस करता हूँ, क्लियर पे रखता हूँ और उसके बाद कलर। तो जैसे मैंने किया अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें उसको सेट करना पड़ेगा, हमारा डॉक्यूमेंट्स कितना हमें स्कैन करना है करके। तो हर एक को कैसे सेट करना पड़ेगा, अभी ये एक हो गया और दूसरे का मुझे इतना ही चाहिए तो मैं वापस दूसरा इतना ही सिलेक्शन करूँगा और मुझे तीसरे का फॉर एग्जांपल मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना सिलेक्शन करूँगा और फोर्थ का मुझे कितना चाहिए लास्ट वाला डॉक्यूमेंट्स तो वो भी मैं सिलेक्शन करूँगा यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी लास्ट वाला हम सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पांच जो डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटो थे वो सभी कुछ यहाँ पे स्कैन हो गए। अभी इन सभी को हम कैसे एक पीडीएफ बनाएंगे, अभी उसके लिए हम क्या करेंगे। अभी ये भी मैं सिलेक्शन करूँगा 1 2 3 4 और उसके बाद 5 6 7 8। जैसे कि हमें बहुत बहुत सारे हमें डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जब हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं 10 20 30 40, तो सभी सिलेक्शन करके हम सिंपल यहाँ पे पीडीएफ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीडीएफ हो गया। ये देख सकते हैं आप सभी कुछ पीडीएफ एक ही पीडीएफ में सिलेक्शन हो गया, देखिए पीडीएफ क्रिएट हो गए। अभी इसको हम सैंपल यहाँ पे यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये देखिए अभी ये सिंपल ये डॉक्यूमेंट्स का आप नाम सेट करके आप सिंपल शेयर कर सकते हैं। अभी ये डॉक्यूमेंट्स अभी शेयर हो रहा है। अभी इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आप यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा, इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स या तो कोई भी पिक्चर को आप पीडीएफ करके आसानी से आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।